भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता मतदान केंद्रों में लंबी लाइनों में लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इस दौरान मतदाताओं का कहना है कि हमें अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। आपको बता दें कि मतदाताओं का कहना है कि मुद्दों और प्रत्याशी को देखकर हमें वोट डालना चाहिए। मेरा नाम मुनेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आदर्श कॉलोनी पलवल। आज वोटिंग करने के लिए आप आए हो लोकसभा चुनाव, कब से लाइन में लगे हुए? रिसेंट गर्मी में कितना उत्साह? 1.5 घंटा हो गया, लेकिन उत्साह पूरा है भाई। किसको लेकर वोट कर रहे हैं अभी और क्या उम्मीद है? भाई 2014 तक मैं नौकरी करता था, उसके बाद बिजनेस करना शुरू कर दिया। आप लगा लो किसे वोट दे रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं? नहीं मुद्दे क्या, बेरोजगारी तो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे आगे सब चीज बनती देखी है मैंने, एक्सप्रेस हाईवे देखे बनते, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है, रोजगार भी क्रिएट हुए हैं। सॉरी वही कह रहा हूँ, जोर शोर से पहले तो मत करें अपना, और जो पार्टी को मत कर रहे हैं उसको देखो उसने हिस्ट्री क्या है, उसे करा क्या है, रियल में क्या करा। वो यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के ना आए, रियलिटी में जाए। नीलम पलवल से है। कितनी देर होगी लाइन में वोटिंग के लिए आपको खड़े हैं? 20-25 मिनट हो गए। भीषण गर्मी पड़ रही है, कितना उत्साह है वोटिंग के लिए कर लोगों में? अब तो ज्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटिंग करना है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सही उम्मीदवार है वही जीतना चाहिए, और हमारा हर किसी का एक कर्तव्य है, इसलिए हमें यहाँ वोट देने के लिए जरूर जरूर आना चाहिए। गर्मी हो सर्दी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए, हर देशवासी को करना चाहिए। तरह की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है।